श्याम ग्रुप एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने बात करेंगे आज 11th क्लास की। अपना चैप्टर चल रहा था ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और यूनिट ये है केमिस्ट्री सेकंड, रसायन विज्ञान भाग दो, और यूनिट है ये अपनी फर्स्ट, पहला चैप्टर, ठीक है। अब अपने इसमें कर लिए थे दो पार्ट, आज अपने बात करते हैं पार्ट थर्ड की। उन दो पार्ट में अपनों ने पढ़ा क्या, उसका बेसिक यहाँ पे निकलता है और ये टॉपिक बनता है। उन दो भाग में अपनों ने पढ़ा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती क्या है, और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का आना मतलब अपचयन। आगे क्या बात समझ में। फिर अपनों ने पढ़ा ऑक्सीकरण अंक के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, नंबर बढ़ना मतलब संख्या बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण, अंक बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण, और घटना मतलब अपचयन। आगे बात समझ में। आज अपने कर रहे हैं थर्ड टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक वैसे आप समझ गए होंगे इन दो टॉपिक को पढ़ने के बाद में। ऑक्सीकरण अंक होगा क्या, किसी यौगिक या अणु में, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी यौगिक या अणु में कोई परमाणु है उसमें उपस्थित आवेश को अपने क्या बोलते हैं, उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे NaCl है और NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसको अपने प्लस वन से प्रदर्शित करते हैं, और प्लस वन क्या है, वहाँ पे प्लस वन है उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। आगे बात समझ में। सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा क्या हो जाएगी। ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा, किसी यौगिक, किसी यौगिक या अणु में उपस्थित किसी परमाणु, उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश, उस परमाणु का, उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ठीक है, उस परमाणु पर जो आवेश है वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपनी, जैसे जैसे देखो भाई साहब, मैंने यहाँ पे लिख दिया NaCl। ध्यान से देखिए, NaCl को मैंने तुम्हें बताया था सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों का करता है त्याग, और क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों को करते हैं ग्रहण। तो यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे तो इसका मतलब सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस वन। आगे बात समझ में। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और उस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, मैंने बोला सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और सोडियम पे प्लस वन आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ऑक्सीकरण और अंक, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस वन, ठीक है। आगे बात समझ में, सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, प्लस वन। ऐसे क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पे भाई, क्लोरीन का हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ से आपको एक चीज पता लगता है, किसी उदासीन यौगिक में ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान से देखिए NaCl की तरफ, Na प्लस वन
और क्लोरीन क्या आ जाएगा माइनस वन। जोड़ दो दोनों को और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, योग शून्य। तो किसी भी उदासीन परमाणु यौगिक में ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होता है, शून्य। यहाँ पे बेसिक मिल गया था इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ही देखो मैंने लिख दिया दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ MgO मैंगो, मैंगो माने आम, यहाँ पे आम वाला नहीं है, मैंगो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, मैग्नीशियम पे आ जाएगा प्लस टू, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस टू। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, दो का, और ऑक्सीजन कितने लेता है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता है अपचयन और देता है ऑक्सीकरण, ध्यान रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए प्लस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक, शॉर्ट में लिखूं भी ऑक्सीकरण अंक, ध्यान रखियो क्या आ जाएगा प्लस टू। और इधर की तरफ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक का हो जाएगा माइनस टू। एनी प्रॉब्लम्स, आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल लाइन है, यहाँ तक बोलो। अब अपने क्या है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता जैसे आप सोच रहे हो, ऑक्सीकरण अंक को परिभाषित करो क्या होता है, क्वेश्चन इसमें आता है आपको कोई यौगिक दे देंगे और ऑक्सीकरण अंक निकालना आएगा, इसलिए अपने ऑक्सीकरण अंक में अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक के नियम। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ऑक्सीकरण अंक के नियम। इसके अंदर ही है ये टॉपिक ऑक्सीकरण अंक के नियम। सीधी सी बात है, इन नियमों के आधार पे अपने ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले रूल देखो, कुछ मैं साथ साथ में उदाहरण लेता जाऊंगा, वो आपको ऐसे नहीं लगे सर नियम पढ़ा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं नियम नंबर वन, देखो भी वर्ग एक के तत्व का, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सीकरण अंक को, ध्यान रखना क्योंकि बार बार यूज होता है ये वर्ड, हमेशा प्लस वन होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो वर्ग एक, ये इसको अपने क्या बोलते हैं, वन ए, आवर्तसारणी में वन ए, आगे बात समझ में। वर्ग एक के तत्व कौन से होते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ कौन से होते हैं वर्ग एक के तत्व, लिथियम, फिर क्या होते हैं सोडियम, आगे क्या आ जाएगा पोटेशियम, रुबिडियम, और उसके बाद में क्या आ जाएगा सीजियम। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, ये तत्व या परमाणु अगर आपको किसी भी यौगिक में दिखाई दे तो इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा प्लस वन होगा, प्लस एक होगा हमेशा। उदाहरण लेंगे अपने, पहले समझ लो भी, हमेशा ऑक्सीकरण अंक प्लस वन होगा। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ गई, प्लस वन होगा तो आप किसी का भी ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हो। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया KCl, तो यहाँ पे पोटेशियम क्या हो गया अभी, पोटेशियम वर्ग एक का तत्व है, हमेशा ऑक्सीकरण अंक क्या होगा प्लस वन, और प्लस वन का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देना। आगे बात समझ में, किसको दिया, क्लोरीन का। अब ये प्लस वन है तो ये क्या हो गया माइनस वन, तो पोटेशियम का पता चलते ही अपने को क्लोरीन का ऑटोमेटिक पता लग गया। ये भी एक कमाल की बात है, केमिस्ट्री में बेसिक से दूसरा बेसिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। आगे क्या बात समझ में, एक एग्जाम्पल और देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम हो गया प्लस वन, तो क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे माइनस वन, तो सोडियम यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम दोनों यहाँ पे क्या है प्लस वन। तो क्वेश्चन आ जाए NaCl में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो सोडियम का ऑक्सीकरण अंक होगा प्लस वन। यहाँ तक बोलिए समझ में आ गए, अपने नेक्स्ट चलते हैं।
अब अपने एक बात करते हैं रूल नंबर दो, नियम नंबर दो। एक एक नियम को समझा रहा हूँ, उदाहरण भी ले रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे सर नियम कराए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो नियम नंबर आ जाएगा अपने दो। नियम नंबर दो की बात करें तो अपने यहाँ पे देखो वर्ग दो या सेकंड की तत्व का औक्षीकरण अंक शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे औक्षीकरण और अंक हमेशा प्लस दो होता है। ध्यान से देखिए वर्ग दो के तत्वों को क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आ जाएगा बेरिलियम, फिर उसके बाद में आ जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर उसके बाद में आ जाएगा बेरियम। आगे क्या बात समझ में? इन सबका ये सीध कहीं भी किसी भी यौगिक में उपस्थित हो तो उनका ऑक्सीकरण अंग हमेशा क्या होता है? प्लस टू होता है। ध्यान से देखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, थोड़ा घूम के लिख देता हूं। इधर क्या आ जाएगा? प्लस टू। आगे बात समझ में? उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे CaCl2, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या होगा? वर्ग दो का तत्व है, कैल्शियम हो जाएगा प्लस टू, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस दो, और क्लोरीन माइनस वन होता है तो दो माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू क्या हो गया? जीरो। तो कैल्शियम क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीकरण अंग क्या हो गया कैल्शियम का? ठीक है, तो लिखने का तरीका देखो, कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंग क्या हो जाएगा? प्लस दो। आगे की बात समझ में? हाँ भाई, आगे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, ठीक है। आगे बात समझ में? ऑक्सीजन ले लो, CaO ले लो चाहे, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस दो। आप देखो नियम नंबर तीन, सामान्यतः ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग माइनस टू होता है। सामान्यतः नॉर्मल यौगिकों में जैसे H2O वगैरह, जैसे H2O ऑक्सीजन कितना होता है? माइनस दो। H2S ऑक्सीजन कितना होता है? H2SO4 ऑक्सीजन कितना होता है? माइनस दो। सामान्यतः जितने भी यौगिक नॉर्मल अपने पढ़ते हैं, KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, तो सामान्यतः यौगिकों में क्या होता है? माइनस दो। अब यहाँ पे अपवाद, ऑक्सीजन में अपवाद है, अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अपवाद। नीट में इस अपवाद से क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा कौन सा आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अपवाद नीट में इंपॉर्टेंट है। मैंने नीट में जितने भी ऑक्सीकरण अंग से क्वेश्चन देखे हैं ना, वो ऑक्सीकरण के अपवाद में से आए हैं ज़्यादातर, ठीक है। अपवाद नीट इंपॉर्टेंट, पहला अपवाद देखो, O2 में ऑक्सीजन का, सीधा वो लिख देता हूं, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, भी जीरो होता है, जीरो या शून्य, ठीक है। पहला अपवाद भी, O2 में ऑक्सीजन क्या होता है? शून्य। मैंने एक नियम बनाया, अभी नेक्स्ट बताऊंगा, वैसे तुम्हें बताया नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कहने का मतलब है एक बंध किसी समान तत्वों से बना जुड़ा हुआ हो, जैसे O O,
एच टू में देखो ओ एच एच। अपने नेक्स्ट नियम करेंगे, डिटेल से बताऊंगा। जैसे अपने आ जाएगा सी एल टू, इनमें क्या होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है मैं नेक्स्ट नियम में तुम्हें डिटेल से बताऊंगा। आगे बात समझ में यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे ऑक्सीजन का अपवाद भी है ये, और टू में ऑक्सीजन क्या होता है, शून्य। आगे क्या बात समझ में, दो समान विद्युत ऋणता वाले एक पर साथ जुड़े हुए हो तो उनमें एक का, दोनों में एक का क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अंक शून्य। ठीक है, नेक्स्ट अपवाद देखो। पहले चलो इसी टॉपिक पे आते हैं, शून्य क्यों होता है वो नेक्स्ट नियम में पढ़ेंगे अपने। देखो नेक्स्ट अपने क्या आ जाएगा, परोक्साइड में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग, परोक्साइड चलो मैं तुम्हें बता दूंगा होता क्या है, माइनस वन होता है। परोक्साइड होता क्या है, देखो किसी में ऑक्सीजन का ये बॉन्ड हो ना, किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ये वाली स्ट्रक्चर्स हो। अब जैसे अपने उदाहरण ले, उदा लिख देता हूं यहां पे उदाहरण, H2O2। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और वैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था एक ही बॉन्ड से दो समान परमाणु हो तो उनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, शून्य। अब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर है ये तो शून्य हो गया, माइनस टू में से एक शून्य हो गया, तो बचा हुआ ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, माइनस वन, और इधर की तरफ ये माइनस वन, और हाइड्रोजन तुम्हें पता है क्या होता है, प्लस वन। ये तुम्हें होता है क्यों है वो बता दिया, याद करने के लिए देखना चाहो तो सभी याद करते हैं ज़्यादातर, परोक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस वन। मैंने तुम्हें डिटेल से बता दिया, आपको पता लग जाए क्यों होता है, लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा क्यों होता है, सीधा ये लाइन लिखी हुई है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपनी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग क्या होता है, माइनस वन होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मगर ये नीट में क्या है अभी बताऊंगा, अभी अपवाद अपने नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपवाद देखो, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मैं नीट के बारे में बात कर रहा हूँ यही पूछा था, ऑक्सीकरण अंग प्लस टू होता है। क्यों होता है मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, ये लाइन है नीट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट में आ चुकी है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इस लाइन को, बहुत बार देखा है मैंने ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता है प्लस टू। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में माइनस टू का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन सामने वाले कोई परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, और प्लस टू का मतलब देता है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है आकर्षित करना, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। आगे बात समझ में, आप देखो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन है, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, आपके 11th एग्जाम में भी आ चुकी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन RBSC में बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन RBSC में, CBSC में भी बहुत बार आया ये क्वेश्चन, और नीट में भी बहुत बार देखा है मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप में। आगे बात समझ में, तीनों जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्या जाएगा, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग प्लस वन होता है। आगे बात समझ में, रीजन मैंने तुम्हें बताया क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है कंपेयर्ड देन है ऑक्सीजन के, यहाँ तक बताओ, नियम नंबर 3 आपको समझ में आ गया, हाँ भाई आ गया क्या यहाँ पे, बोलो भाई। ठीक है, तो अब आपको नियम नंबर 3 समझ में आ गया, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे देखो,
MNO में, बस ये पूछ रहा हूं, जनरल निकालना अपने देखेंगे। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक बताओ। मैग्नीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, कोई न कोई ये परोक्साइड है, न कोई फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो -2। ये -2 हुआ था, Mn क्या हुआ, वो जनरली बात है, नॉर्मल पूछे, अभी निकालना तो किया ही नहीं अपनों ने, वैसे ही पूछे। अगर ये -2 है तो Mn यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। तो दोनों पता लग गया ना, एक बेसिक से देखो Mn और सॉल्व हो गया, और बाकी जगह देखा जाए तो आपके निकालना पड़ता है इसको, बिना निकाले ही समझ में आ गया Mn क्यों यहाँ पे +2 हुआ। तो आ गया नियम नंबर 3, सामान्यतः ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, -2। आगे बात समझ में, अब अपने बात करते हैं नियम नंबर 4, फिर करेंगे यहां से क्वेश्चन। नियम नंबर 4, सामान्यतः हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, जैसे H2O। ये स्ट्रक्चर है वाटर की, ये -2 हो गया, -2 कहाँ से आया, एक +1 ये और दूसरा +1 ये H2O। ठीक है, अब इसमें भी है भाई साहब अपवाद, परंतु भी है इसमें। ठीक है, पहला अपवाद, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट, मतलब वर्ग एक, ग्रुप फर्स्ट तथा ग्रुप सेकंड के तत्वों के साथ -1 होते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया NaH। अब आपको पता है सोडियम वर्ग एक का तत्व है, ये तो +1 होगा, तो आपको पता है एक तरफ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ ग्रहण किए जाते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ग्रहण करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। ये तो थोड़ा बेसिक बता दिया, वैसे ही रटना चाहो तो हाइड्रोजन क्या है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड तत्व है जो अपनों ने किए है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आगे बात समझ में, और ग्रुप सेकंड अपनों ने अभी लिखे थे नाम, वर्ग एक और वर्ग दो क्या देंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, आगे स्ट्रांसियम बेरियम, आगे बात समझ में, ये ग्रुप सेकंड के तत्व। NaH में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंग कितना हो जाएगा, -1। Sc लिख दिया मैंने CaH2, कैल्शियम हाइड्रेट, अब कैल्शियम क्या होता है, +2। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का ON लिख दूँ क्या, चलो एक बार इंग्लिश नहीं आएगी समझ में, हिंदी मीडियम चल रहे हैं अपने, ऑक्सीकरण अंग क्या हो जाएगा, -1। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, तो ये है अपने हाइड्रोजन के अपवाद, कल करेंगे, 2-3 नियम हो रहे हैं आपके, और कुछ उदाहरणों के साथ अपने बात करेंगे ऑक्सीकरण अंक के नियम, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अपने। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।